भूतों को नहीं लगती ठंड। बाबा बागेश्वर के अंध भक्त या भक्त। इंडिया टीवी की टीम बीती रात 1 बजे भोपाल में बागेश्वर धाम से ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची। इस दौरान पांडाल के नीचे हजारों लोग सोए हुए थे, लेकिन ठंड और कोहरे का इन श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं दिख रहा था। 12 डिग्री के तापमान के बावजूद श्रद्धालुओं में बागेश्वर धाम के प्रति जोश और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। आइए देखिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर अनुराग अमिताभ की बागेश्वर धाम से ग्राउंड रिपोर्ट। समय तकरीबन 1 बजे, तापमान तकरीबन 12 डिग्री, कोहरे की चादर, आसपास के माहौल में ठंड के साथ सिमटी हुई। और आप देख सकते बाबा बागेश्वर का नाम लेते ही नींद खुल चुकी है लोगों की, और 1 बजे ये तमाम लोग उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोगों से कहाँ जाए? बिहार से। बिहार से आए? हाँ। कहाँ यहीं सो रहे हैं आप? हाँ। ठंड मंड नहीं लगती? नहीं लगती। तो ये पूरे लोग ऐसे ही सो रहे हैं? हाँ। हाँ। जी आप लोग कहाँ से हो? हम यूपी से हैं। यूपी से। इतनी ठंड में कहाँ पर रहे हो आप? बुरी तरीके से ठंड नहीं लग रही? नहीं ठंड लग रही। क्यों नहीं लग रही है? आशीर्वाद है सब बालाजी का आशीर्वाद है, बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद है। ठंड वंड कुछ नहीं, हम तो यहाँ के पागल हो गए। हम लोग देख रहे हैं ठंड ठंडी कहीं कुछ नहीं लगता है, ना भूख लगता, दिन भर बैठे रहते हैं, बर भजन सुनते भूख प्यास बंद, बाबा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन जितने भी बाबा के विरोधी है वो तो कहते हैं कि वो जादू टोना, अंधविश्वास करके राम में उन्होंने कई बातें की मंच से भी। अब वो बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को। नहीं, उनकी जायज मांगे, उचित मांगे। क्यों जाए? उचित हिंदू राष्ट्र पहले था और अब होना भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो अथवा माने अथवा ना माने, मानते थे हिंदू राष्ट्र था और है और हमेशा रहेगा। हम लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके जो है तो आवाहन कर रहे हैं कि 150 करोड़ पब्लिक जो है तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है, पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के समर्थन में है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये श्रद्धालुओं के मुताबिक, इन तमाम भक्तों के मुताबिक जवाब है श्याम मानव को और तमाम उन लोगों को जो विरोध करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और ये इस भीड़ में भी वही चीज दोहरा रहे हैं जो मंच से लगातार हर दिव्य दरबार में लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते हैं कि जब 13 से लेके 19 तारीख तक ये तमाम जो भक्त हैं और देश भर में जो लाखों करोड़ों भक्त हैं, जब वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, तो वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा। इन्हीं नारों के बीच में ये तमाम भीड़ यहाँ पर रोज रात को समझा जा सकता है 19 तारीख तक इसी तरीके से लेटेगी। और उन्हें विश्वास है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो सकता है रात में आए या सुबह आए, और जब आएंगे तो उनकी आस्था का ये जो सैलाब है उसे और मजबूत करेंगे।